इब्राहिम खली रोड है, जहाँ से जो है ना बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे यूट्यूब के आल व्यूअर सब खैर खैरियत से। मैं हूँ मलिक अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मलिक अशरफ ऑफिशियल। आज जुम्मे के टाइम में हरम में आ नहीं सका था, तो अभी जो है ना टाइम निकाला है, तो मैंने कहा हरम की तरह कर जो है ना लगा के आए लाजमी। अभी असर का टाइम हुआ है, तो जुम्मे का दिन ही मुझे मिलता है। आगे पीछे तो काम पे होता हूँ या यूपी पे होता हूँ, तो जुम्मे वाला दिन मिलता है, तो हरम की तरफ जो है ना चक्कर लगा के जाए मैंने कहा, ताकि दिल को जो है ना सुकून है। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये कुछ अहबाब जो है ना मगरब की नमाज़ के लिए भी जा रहे हैं और बाकी जो है ना उम्रे के लिए भी आए हुए हैं। तो चलें मेरे साथ रहिए, आज मैं आपको जो है ना यहाँ की ज़ियारतें भी करवाऊँगा और जो है ना हरम का व्यू भी और खूबसूरत सा सीन भी दिखाऊंगा। ये है सामने ये वाला, ये है मकबरा अलशबीका। ये वाला ये जहाँ पे गेट लगा हुआ है ना, ये है मकबरा अलशबीका। यहाँ पे जिंदा बच्चों को दफन किया जाता था ज़माना जहलियत में। ये सामने वाला जहाँ पे एक भाई भी वो खड़ा हुआ है सामने, ये देख रहे हैं ये सामने, और ये वाला है, इसको बोलते हैं मकबरा अलशबीका। माशाल्लाह से खूबसूरत सभी, और शाम का जो टाइम है ठंडा ठंडा मौसम माशाल्लाह। ये भाई मुस्तफा भी मेरे साथ हैं, और ये पीछे से भी देखें तो माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना भाई लोग जो है ना हरम की तरफ आ रहे हैं। हमें लगी हुई है प्यास, सबसे पहले वहाँ बैठ के आप जमज़म पियेंगे। आप जमज़म पीने के बाद फिर जो है ना आगे जाएँगे, और इंशाल्लाह आज हज़रत खदीजा कुंवर के जो है ना घर का, जहाँ पे उनका घर था, वो भी मैं आपको ज़्यारत करवाऊँगा माशाल्लाह से। ये देखें सफ़े लगी हुई हैं, शाम का टाइम है ना, ठंड ठंड मौसम के लिए यहाँ पर ये देखें काफ़ी नमाजी हजरात जो है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बाकी आगे जा रहे हैं। हम पानी आगे ही पियेंगे, अगर यहाँ पर रुके तो हो सकता है रास्ता टाइम से बंद ना हो जाए। ये मगरब की नमाज के लिए यहाँ सुकून से बैठे हैं, कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर जो है ना बैठ के हरम की ठंडी ठंडी हवाओं का सुकून जो है ना लुत्फ़ उठा रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ से ये व्हील चेयर मिलती हैं, जो ऊपर तवाफ़ करना चाहें तो जो ऊपर दूसरी मंजिल पे जो है ना वहाँ पे जो है ना व्हील चेयर के ज़रिए तवाफ़ करें। और बाकी यहाँ पर ये देखेंगे माशाल्लाह से रौनकें माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा काफ़ी तादाद में लगी हुई हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू माशाल्लाह। बस आज जुम्मे की नमाज़ पे नहीं आ सका मैं, जुम्मे की नमाज़ में मैंने वहीं पढ़ी थी, तो दिल में बहुत ज़्यादा हसरत होती है कि मैं जुम्मे वाले दिन हरम शरीफ में जाऊँ, हरम शरीफ में जाऊँ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना मौका मिल गया, मैंने कहा चले अभी जो है ना चक्कर लगा के आता हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी मेरे व्यू माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह से भी जो है ना उम्रा अजारियाँ जहाँ से भी आए हुए हैं मुल्क से, तो माशाल्लाह से ठंडा ठंडा टाइम है ना इस टाइम, तो यहाँ से देखने का जो है ना खजूरें बट रही हैं माशाल्लाह से, खजूर लेते हैं यहाँ से। ये मेरे घर खजूर सभी चल रही थी, अगर आपने खाने तो जीव में लाएँ, मैं तो खाने के जो है ना शिकार हूँ। ये सफाई वाले हजरात जो हरम की माशाल्लाह से 24 घंटे जो है ना सफाई करते रहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये इस तरफ से आ रहे इब्राहिम खली रोड वाली साइड से, ये कबूतर चौक पर जो रोड जाता है, ये कुछ इस तरफ से जो है ना आ रहे हैं, इधर से भी काफ़ी तादाद में रहता है।
और यहाँ से ये देखो उमरा जा रहे हैं, इनके लिए सिर्फ जो है ना वो अंदर जा रहे हैं, बाकी नमाज़ी हज़रात जो है ना वो बाहर ही ठहरेंगे। देखिए इस तरह का इब्राहिम फरीद रोड है, जहाँ से जो है ना बहुत ज़्यादा कसी तदा एक ये रोड थे इब्राहिम फरीद में कबूतर चौक में, और एक क्या कहिए साथ वाला। और इस तरफ माशाल्लाह सुबहानअल्लाह कितना रश है। तो मुस्तफ़ा यहाँ पे आने के लिए आपको कितना जो है सुकून मिलता है? बहुत सुकून माशाल्लाह। अक्सर जो है ना मेरे साथ भाई मुस्तफ़ा भी मेरे साथ होते हैं अलहमदिल्ला। अब जमजम कित हुए हूँ तो ये हरम में जाने के लिए हैं, वहाँ से वजू करते हैं और चार का जो है नमाज पढ़ लें, उसके बाद बाकी वीडियो बनाएंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह इस तरफ देखें ना आप, ये टावर के साथ मक्का टावर इसको बोलते हैं, तो ये मक्का टावर है। इस तरफ से भी ये देखें, ये भी सब हाजियों के होटल हैं। बाब मक्का एक बार मक्का टावर, ये क्लॉक टावर आगे वाला, और इस तरह ये माशाल्लाह से हरम शरीफ। और जो वो पीछे वाला रोड है इब्राहिम फरीद रोड, वो भी कहते हैं उसको, और कबूतर चौक भी उसको बोलते हैं, कबूतर चौक पे जो रोड जाता है। और जो मेन है ना इब्राहिम फरीद रोड, वो है ये वाला, ये 8 नंबर और ये सामने 5 नंबर वाशरूमों के दरमियान इसको बोलते हैं ये वाला जो है ना, इधर टावर इधर मक्का, और ये सेंटर में जो है ना ये है इब्राहिम फरीद रोड। इसको बोलते हैं मेन इब्राहिम फरीद रोड देखने में। और इस तरफ से जो है ना ये सफाई हो रही है, बाद मैंने हरमान शरीफ आ, मेरे 8 नंबर वाशरूम से वजू करेंगे, उसके बाद वीडियो बनाएंगे। और इस तरफ ये देखेंगे माशाल्लाह, नमाजी के लिए जो है ना हर तरह से जगह जो है ना बिल्कुल फुल है, बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पर। हम इधर जाएंगे वाशरूम, वहाँ से वजू करते हैं, वजू करने के बाद फिर आएंगे वापस। वजू हमने जो है ना कर लिए, ये देखिए माशाल्लाह से हरम की तरफ जो है ना काफ़ी तादाद में रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा गजी तादाद में। ये मशीनें ये देखें जी सफाई कर रही हैं, और याद वाली साइड पर भी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी तादाद में रश है माशाल्लाह। हम यहाँ से चलते हैं इस तरफ, वहाँ से हम पानी पियेंगे, पानी पीने के बाद फिर चलेंगे उस तरफ, क्योंकि प्यास लगी हुई है। हरम शरीफ में आए हुए हैं तो आब जमजम ये तो लाजमी पीना चाहिए। उत पानी पी लो ना इत बार पीने सामने। यहाँ से मेरे यूर पानी पीने के बाद फिर अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, अंदर से हराम की तरफ से होगे फिर ही बाहर निकलेंगे। ये देखिए अब जमजम की जगह पर भी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है।
माशाल्लाह जी, एक बार माशाल्लाह भैया आने से देखना ठंडी ठंडी हवाएं जो चल रही है और इतना इंसान सुकून हो जाता है ना माशाल्लाह। और उम्रा ज़रीन का इतना काफ़ी तादाद में रश है। वैसे भी आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होता है हरम शरीफ में 24 घंटे कितना रश होता है, और शाम के टाइम जुमे का टाइम और फिर शाम के टाइम जैसे कि ईशा के बाद हो गया, मगरब टाइम हो गया, तो इस टाइम पे तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा रश होता है क्योंकि ये टाइम ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो इसलिए फिर सब जो उमरा ज़र में हजरत किराम हो नज़दीक नज़दीक मौजूद है वो फिर हरम की तरह अक्सर आ ही जाते हैं। और ये देखें मेरे व्यूअर माशाल्लाह से हरम के अंदर जो है ना सहन में जितने कितना रश है, ये बहरहाल से लगी है जिससे जो नज़र आ रहा है हरम में भी बहुत काफ़ी ज़्यादा रश है। अगर मुनासिब हुआ तो हम अंदर जाएंगे, नहीं तो हम बाहर से ही जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से ये कोई किसी मुल्क का नाम तो मुझे नहीं आ रहा जहाँ से ये ग्रुप आया हुआ, ये अजियाद वाली शहर से, ये अजियाद वाली शहर में बहुत ज़्यादा रश है। और ये मेरे घर माशा हरम के जो है कितना प्यारा ग्रुप है, ये इशारा अजियाद वाली साइड और वहाँ पर सेंटर में टाइम फ्री रोड और आगे हमने जाना है गज़ा वाली साइड पे, क्योंकि मैंने वहाँ से हजरत खदीजा के घर की वीडियो और ये भी और अबू जहल के हमाम जहाँ पे बने जहाँ से दरपा गुजरा करते थे, जहाँ से वो पत्थर मारा करते थे, उस जगह की आपको आज जर पे करवा के फिर जाएंगे। और ये जाती है सीधा जो है ना ये हरम की तरफ जा रही है, सीधा ऊपर जो है ना एक नंबर गेट की तरफ देखते हैं। ये है सफ़ा मरवा, हम अगर उस साइड से आते अंदर से तो फिर यहाँ पर आते, ये भी लोग मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए लोग हम यहीं पर एंड कर देते हैं। और उम्मीद है कि आज कुछ हमारा ये हरम की तरफ से छोटा सा लोग सब आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी लगा दें, और इंशाल्लाह आपको फिर एक नया जो दूसरा भी लोग हमारा भी लोग है उसमें हम आपको दूसरी जो ज्यारतें इस साइड की हैं वो हम दूसरे भी लोगों में यहाँ से बनाएंगे, तो जिसमें आपको हजरत खदीजा का घर और बाकी जितने भी यहाँ किस तरह की ज्यारतें हैं ना वो आपको हम दिखाएंगे। तो नेक्स्ट